सो द ट्राइब्समैन फ्लेड इन हॉल. तो ट्राइब्समैन जो रहते हैं वो भाग जाते हैं डर के मारे. फॉर दे हैड नियरली प्रेजेंटेड एन इम्परफेक्ट सेक्रीफाइस एंड फ्यूर्ड द रैथ ऑफ द गॉडेस. और इसलिए वो क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं कि उन्होंने क्या किया है, एक इम्परफेक्ट जो है इंसान को सेक्रीफाइस के लिए चुना था. तो वो डर जाते हैं किससे, कि गॉडेस जो है, जो उनकी जिसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस के लिए ये इम्परफेक्ट बलि चुनी थी, तो वो सोचते हैं कि वो गॉडेस उनकी बहुत गुस्सा हो जाती है, रात में बहुत ज़्यादा, तो उसके गुस्से से, गॉडेस के गुस्से के डर से वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं. एज द किंग होबल्ड अवे एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम, ही रियलाइज डैट द लॉस ऑफ हिज फिंगर हैड इनडीड बीन फॉर द बेस्ट. अब क्या होता है कि जब वहाँ से जो ट्राइब्समैन थे जिन्होंने किंग को पकड़ा हुआ था, पकड़ के लाया था ये सेक्रीफाइस के लिए, वो वहाँ से जब सारे भाग जाते हैं तो किंग भी अब वहाँ से तो रहेगा नहीं, वो भी वहाँ से भाग जाता है. तो बता रहे हैं किंग जो है वहाँ से भागा, तो वहाँ से बोलता है कि वो भी वहाँ से कैसे होता है कि मतलब लंगड़ाते हुए, क्योंकि उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे, तो बताता है कि वो वहाँ से भागा, बोल इतना फास्ट भागा जितना कि उसका लेग जो है वो उसको कैरी कर पाता, वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भागता है लंगड़ाते हुए. ही रियलाइज डैट द लॉस ऑफ हिज फिंगर हैड इनडीड बीन फॉर द बेस्ट. और उसे रियलाइज होता है कि उसका जो लॉस था फिंगर का, वो उसके लिए क्या हुआ, अच्छा हुआ ना, यानी उसके लिए एक अच्छा हुआ, फॉर द बेस्ट. बट व्हाट ऑफ नॉट हैविंग हिज मिनिस्टर्स कंपनी एट द टाइम ऑफ डेंजर, वॉज दैट फॉर द बेस्ट. लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि क्या मिनिस्टर की कंपनी जो थी उसके डेंजर में जब वो था, तो वो भी बेस्ट था. व्हाट इसीलिए बोल रहा है कि क्या जो मिनिस्टर यानी प्रताप सिंह उसके साथ, जब वो किंग जो डेंजर में था और प्रताप सिंह उसके साथ नहीं था, तो क्या वो भी बेस्ट था. यस सेड प्रताप सिंह लेटर. तो बाद में जब अपने वो प्रताप सिंह से पूछता है, तो प्रताप सिंह उससे बताता है कि हाँ, फॉर इफ़ ही हैड अ नो ऑफ द किंग्स प्रेल ही वुड हैव कम टू द किंग्स एड एंड बीन ओवरकम बाई द न्यूमरस ट्राइब्समैन दस सर्विंग एज अ सब्स्टिट्यूट विक्टिम. सो एवरीथिंग फॉर वॉज फॉर द बेस्ट आफ्टर ऑल. तो प्रताप सिंह क्या बताता है कि हाँ, कि अगर उसे पता चलता कि किंग जो है वो डेंजर में है, वो ख़तरे में है, तो वो क्या करता, किंग को बचाने के लिए वहाँ पे आता, यानी कि उस सेक्रीफाइस वाले जगह पे वो भी आता. और क्या होता फिर कि वो लोग जो हैं, वो ट्राइब्समैन जो थे, वो क्या करते, वो प्रताप सिंह जो उसका मिनिस्टर था, वो उसे भी पकड़ लेते. और जब वो ये देखते कि जो किंग है उसकी एक उंगली जो है वो कटी हुई है, वो इम्परफेक्ट है, तो फिर वो क्या करते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूट वो किसे विक्टिम बना लेते, फिर प्रताप सिंह को. इस वजह से दोनों का सही चीज़ था, किंग का जो एक उंगली कटी जो वो भी सही हुआ, क्योंकि किंग जो है वो क्या किया, जब उंगली उसकी कटी हुई थी, इस वजह से वो बच जाता है सेक्रीफाइस होने से, यानी कि, और क्योंकि उसकी उंगली कटी थी और वो गुस्से में अपने जो उसका मिनिस्टर था प्रताप सिंह, उसको वो गुस्से में भेज देता है. और मिनिस्टर जब वो चला जाता है उसे अकेला छोड़ करके, तो इस तरह से वो प्रताप सिंह भी बच जाता है. अगर वो प्रताप सिंह किंग के साथ होता तो क्या होता, वो लोग उसे भी पकड़ करके लेके चले जाते, और किंग के जगह अगर किंग को वो छोड़ देते, क्योंकि किंग तो इम्परफेक्ट था, और वो सेक्रीफाइस किसे कर देते, प्रताप सिंह को. तो इस तरह से दिखाया कि हर कुछ जो है वो अच्छे के लिए होता है. तो प्रताप सिंह का जो बिलीफ था कि एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट, यानी सबको हर कुछ जो होता है, सब कुछ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये बात सच हो जाती है. और किंग को भी इस बात पे बिलीव हो जाता है कि हाँ, गॉड जो है जो काम भी करते हैं, जो कुछ भी आपके साथ होती है, कुछ भी इंसिडेंट होती है, तो उससे इंसान को
घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और उससे ये नहीं, सैड नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं गॉड जो है सब कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं। तो ये स्टोरी से हम लोग यही सीखें कि सचमुच गॉड जो है हम लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को उनसे कंप्लेन नहीं करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे कोई सा भी इंसिडेंट आपके साथ हो तो उसके पीछे देखना चाहिए कि पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी को लेकर चलना चाहिए और नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि प्रताप सिंह ने यहाँ पे दिखाया कि हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पीडीएफ में हम क्वेश्चन आंसर दे देंगे। क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोग को खुद से पहले करने हैं, पहले होमवर्क है, इसे आप लोग बनाएंगे खुद से। ओके।